नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथ में आज की इस वीडियो में हम कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, जिनके माध्यम से आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, फिर कांस फिल्म फेस्टिवल का इतिहास और इसकी प्रसिद्धि के कारणों के बारे में भी बात करेंगे, इसके महत्व और अंत में इससे जुड़ी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में भी बात करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। फैशन और सिनेमा के मिक्सचर से हर साल ध्यान आकर्षित करने वाला कांस फिल्म फेस्टिवल इस साल 16 मई से 27 मई तक आयोजित किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी 16 से 27 मई तक कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ द एलिफेंट विस्परस, फेम के फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा, भारतीय अभिनेत्री मानुषी छिल्लर, ईसा गुप्ता और प्रशंसित मणिपुर अभिनेता कंगाबम तोम्बा भी शामिल होंगे। तानू बहल की आगरा और अनुराग कश्यप की कैनेडी सहित चार भारतीय फिल्मों ने कांस फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक चयन के लिए जगह बनाई है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से भारतीयों के लिए यह ध्यान देने योग्य है कि रेड कार्पेट पर बॉलीवुड अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की कई तस्वीरें अक्सर अपरंपरागत परिधानों में दिखाई देती हैं, जिसके लिए इन्हें कई बार ट्रोल्स भी किया जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन कई बार फेस्टिवल में नजर आ चुकी हैं। ऐश्वर्या राय जी रेड कार्पेट पर चलने वाली पहली महिला भारतीय अभिनेत्री हैं और कान जूरी की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय स्टार भी हैं। पिछले साल अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जी को महोत्सव के जूरी सदस्य के रूप में चुना गया था, जिसे वैश्विक स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित फिल्म आयोजनों में गिना जाता है। अब आइए जानते हैं कांस फिल्म महोत्सव के इतिहास के बारे में। इसका इतिहास साथियों 1936 से शुरू होता है और आपको पता ही होगा कि इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के लिए तनाव भी बढ़ रहा था। 1938 में यूरोप में युद्ध शुरू होने से कुछ महीने पहले यूएसए सहित यूरोप से कुछ देश वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए इटली में इकट्ठा हुए थे, जो उस समय दुनिया के बहुत कम प्रतिस्पर्धी फिल्म समारोहों में से एक था। और आपको ये भी ज्ञात होगा दोस्तों कि इन दिनों इटली और जर्मनी पर क्रमशः मुसोलिनी और एडॉल्फ हिटलर की फांसीवादी पार्टियों का शासन था। जब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार देने का समय आया तो जूरी के सदस्यों ने आम सहमति से एक अमेरिकी फिल्म को चूज किया, लेकिन हिटलर के दबाव में निर्देशक लेनी रेफेंस्टॉल की नाजी प्रचार फिल्म ओलंपिया और इतालवी फिल्म लुसियानो सेरा को इसके लिए प्रशंसा प्राप्त। यूके, यूएसए और फ्रांस ने इसके प्रतिक्रिया में इस कार्यक्रम को छोड़ दिया और फ्रांसीसी प्रतिनिधि फिलिप एलांगर ने तब एक विकल्प के रूप में एक फ्रांसीसी कार्यक्रम की स्थापना करने की योजना बनाई। हालांकि फ्रांसीसी विदेश मंत्री जॉर्जेस बोनेट फ्रांस और इटली के संबंधों के खराब हो जाने के डर से चिंतित थे, लेकिन फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर जीन जे और इंटीरियर मिनिस्टर अल्बर्ट सौरात ने यूरोप के लिए एक फिल्म समारोह के विचार का समर्थन किया, जिसमें उनका ये मानना था कि कला को राजनैतिक पैंतरेबाजी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार 1939 में अमेरिका जैसे देशों के समर्थन से एक फेस्टिवल मनाने की घोषणा की गई। फेस्टिवल मनाने के लिए फ्रांस के दक्षिणी सिरे पर एक तटीय शहर कांस को एक रिजॉर्ट शहर के रूप में और स्थानीय होटल व्यवसायियों और व्यापारियों द्वारा पैरवी करने के बाद चुना गया। लेकिन यूरोप में युद्ध के कारण यह महोत्सव पहली बार 1946 में स्थापित किया गया था, जिसमें किर्क डगलस, सोफिया लॉरेन, ग्रेस कैली, कैरी ग्रांट और चित्रकार पाब्लो पिकासो जैसे सितारों ने भाग लिया था। इसमें 19 देशों और एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी को शामिल किया गया था। तब से यह वैश्विक फिल्म उद्योग में एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया है। यह दुनिया भर के विभिन्न देशों और संस्कृतियों की फिल्मों को एक विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित करने और उनको बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसके महत्व के बारे में अगर बात करें साथियों, तो कांस फिल्म फेस्टिवल कई प्रशंसित फिल्मों और उभरती प्रतिभाओं के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में कार्य करता है। इसमें एक पुरस्कार जीतना या कांस फिल्म फेस्टिवल में आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करना एक फिल्म निर्माता के करियर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है और उनके काम को वैश्विक पहचान भी दिला सकता है। अब आइए जानते हैं कि कांस इतना लोकप्रिय कैसे हुआ। दोस्तों, पहले कुछ संस्करणों में फिल्मों से परे मनोरंजन के कई विकल्प जैसे परेड, समुद्री तटों पर आतिशबाजी और हवा में कबूतर छोड़ना, ये सब शामिल थे। परंतु आजकल पुरस्कारों के अलावा महोत्सव में संगीत कार्यक्रम और रेड कार्पेट जैसे अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान
फिल्म स्क्रीनिंग भी की जाती है। इनमें से लगभग सभी कार्यक्रम फिल्म उद्योग से चुने गए लोगों तक ही सीमित है। इसकी वेबसाइट के अनुसार यही विशिष्टता और दुनिया भर के स्टार्स का रेड कार्पेट पर चलना और मीडिया की निरंतर कवरेज ने जल्द ही इसे विश्व प्रसिद्ध एक लीजेंडरी इवेंट्स में बदल दिया है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो ऐश्वर्या राय जी ने पहली बार 2002 में अपनी फिल्म देवदास के प्रीमियर के लिए इस समारोह में भाग लिया था। तब से वह सौंदर्य ब्रांड लॉरियल की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई। कॉस्मेटिक ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर रेड कार्पेट पर वॉक करते हुए इसका प्रमोशन करती हैं। हालांकि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध की शुरुआत के साथ इस महोत्सव की शुरुआत करना तथा राजनैतिक पैंतरेबाजी से बचने का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था। इसके लिए आयोजकों ने महोत्सव के नियमों में एक आर्टिकल जोड़ा ताकि फिल्म चयन करने के मुद्दों से बचा जा सके और कोई विवाद ना हो, लेकिन 1957 में इसे हटा दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पाल्मे डी ओर पुरस्कार दिया जाता है, जो कि इस महोत्सव का सबसे प्रतिष्ठित या सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रतिष्ठित फिल्में जैसे टैक्सी ड्राइवर, एपोकैलिप्स नाउ, पल्प फिक्शन और पैरासाइट जैसी कुछ फिल्मों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऐसा करने वाली पहली और एकमात्र भारतीय फिल्म 1946 की नीचा नगर थी, जिसका निर्देशन चेतन आनंद साहब ने किया था। साल 1950 में चेतन आनंद इंटरनेशनल ज्यूरी में भारत की तरफ से पहले सदस्य बने थे। साल 1980 में मृणाल सेन को इंटरनेशनल ज्यूरी का सदस्य बनाया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो 1951 में रिलीज हुई राज कपूर साहब की फिल्म आवारा, 1953 में आई फिल्म दो बीघा जमीन, 1954 में बूट पॉलिस, 1955 में पाथेर पंचाली, 1965 में गाइड और 1982 में आई फिल्म खारजी, 1988 में सलाम बॉम्बे, 2010 में आई उड़ान और 2013 में मेरे पसंदीदा कलाकार इरफान खान साहब की लंच बॉक्स को भी यहाँ सम्मानित किया जा चुका है। साल 2006 में तमिल फिल्म बेइल की कॉन्स में स्क्रीनिंग की गई और यह पहली तमिल फिल्म थी जिसका कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग हुई थी। 1980 के दशक तक चयन को और अधिक विविध बनाने के लिए फिलीपींस, चीन, क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना जैसे देशों को आमंत्रित किया गया था। 2022 में भारतीय फिल्म निर्माता सौनक सेन की ऑस्कर नामांकित डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स ने डॉक्यूमेंट्री के लिए सर्वोच्च सम्मान गोल्डन आई पुरस्कार जीता। अब आइए कॉन्स फिल्म फेस्टिवल की कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में भी जान लेते हैं। अभी हाल ही में पूर्व फ्रांसीसी अभिनेत्री एडल हेनल ने कॉन को फ्रांसीसी सिनेमा की उन संस्थाओं में से एक बताया जो अपने बलात्कारी प्रमुखों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने इन चिंताओं का हवाला देते हुए फिल्म उद्योग को भी छोड़ दिया। हालांकि फेस्टिवल प्रमुख थियरी फ्रीमार्क्स ने उनके दावों को खारिज किया, लेकिन मनोरंजन उद्योग में यौन दुराचार के मामलों को उजागर करने वाले #MeToo मूवमेंट के आलोक में महोत्सव को अतीत में भी अन्य कई सारी चिंताओं का सामना करना पड़ा है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोगों का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।